हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य तंबाकू से होने वाले नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इसी के तहत आज राष्ट्रीय संत तुकड़ोजी कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर नागपुर द्वारा शहर में तंबाकू निषेध पर जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में युवक युवतियां शामिल हुए। इस रैली ने कैंसर हॉस्पिटल से निकलकर शहर का भ्रमण करते हुए लोगों तक तंबाकू के प्रति जागरूकता फैलाई। इस बार साल 2023 में वर्ल्ड नो टोबैको डे 2023 की थीम है वी नीड फूड नॉट टोबैको। इसका अर्थ है कि हम सबको भोजन की जरूरत है, ना ही तंबाकू की। भारत की बात करें तो यहाँ तंबाकू का इस्तेमाल सिर्फ जरदा या पान मसाले के तौर पर ही नहीं किया जाता, बल्कि लोग सिगरेट, हुक्का और सिगार के रूप में भी लोग इसका सेवन करते हैं। पिछले कुछ समय से स्मोकिंग की लत लोगों में तेजी से बढ़ती है। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे इंडिया 2016 से 17 के आंकड़ों पर नजर डाले तो भारत में लगभग 266 मिलियन वयस्क, कुल वयस्कों की आबादी 29% तंबाकू का उपयोग करते हैं, जबकि महाराष्ट्र में 31% लोग यानी कुल 2,28,99,273 लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। इस पर राष्ट्रीय संत तुकड़ोजी कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के निदेशक डॉक्टर करतार सिंह ने कैंसर के बढ़ती संख्या को देखकर चिंता व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि कैंसर रोगियों के बचने के लिए शीघ्र ही निदान ही कुंजी है। आज का दिन 31 मई है, आज हम वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मनाते हैं। इस दिन हम लोग प्रण करते हैं, ये शपथ लेते हैं कि तंबाकू या तंबाकूजन्य जो पदार्थ हैं, जो उत्पाद हैं, उनका हम उपयोग ना करें। अब ये विदित हो चुका है कि तंबाकू, खर्रा, पान, गुटखा, इन सब से कैंसर होता है। और हम लोगों का जो यहाँ देखना है कैंसर हॉस्पिटल में, लगभग 100 में से 35% लोग ओरल कैंसर के आते हैं और उसमें 80-90% लोग जो कारण है वो तंबाकू या इसके जो उत्पाद हैं उनके कारण होता है। तो हम सब से ये विनती है कि इस तंबाकू का अपन निषेध करें, बंद करें और कैंसर पर रोकथाम लगाएँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर वंदना काटे, प्रेसिडेंट IMA नागपुर। आज जो जागतिक नो टोबैको डे वी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसका मुख्य ये थीम है कि वी नीड फूड नो टोबैको। तो ये इटसेल्फ बता रहा है कि अपने को फूड की ज़रूरत है, ना कि टोबैको की। टोबैको कितना हार्मफुल है वो सबको मालूम है, उससे कैंसर होता है और बाकी सारे कई सारे बीमारियां होती है, हार्ट डिसीजेस, पेप्टिक अल्सर्स एंड ऑलमोस्ट एवरी सिस्टम इज अफेक्टेड बाय टोबैको। तो और आजकल अपन ध्यान में आ रहा है कि एडोलेसेंट जो बच्चे लोग हैं उनमें ये बहुत बढ़ रहा है, तो उनको जागरूक करना। और आज के पेपर में है कि सचिन तेंदुलकर को उन्होंने एक रोल मॉडल बनाया है अपने ये अभियान के लिए, तो उनसे जन जागृति बहुत ज़रूरी है और उसको देख के अपन बोल सकते हैं कि अपना इनिंग अपन बना रहे हैं, ना कि अपना तंबाकू सेवन मत करिए और से नो टू टोबैको ऑलवेज। RSTRCH के सलाहकार डॉक्टर BK शर्मा ने कहा है कि कैंसर बढ़ने का एक मुख्य कारण तंबाकू का सेवन है और इसलिए तंबाकू पर नियंत्रण जरूरी है। जन जागृति का हम कैंसर हॉस्पिटल की तरफ से हम लोग हमेशा ही करते आए हैं। जैसे कि आज हमारा ये तंबाकू निषेध दिवस है, इसके बाद में वर्ल्ड कैंसर डे रहता है। हम लोग स्त्रियों के जो स्तन कैंसर होते हैं उसके लिए भी जन जागृति करते हैं। ये एक अभियान, बहुत बड़ा अभियान है, लेकिन जहाँ तक तंबाकू की बात है कि जिस तरह से अभी ये एकदम रेशो चल रहा है और आज ये 2 साल के बाद यानी 2025 के बाद में कम से कम 17-19 लाख लोगों की मृत्यु तंबाकू से ये आंकड़े आए हैं, हो सकती है। तो इसलिए इसी जन जागृत करने के लिए, और दूसरा ऐसा है कि हमारा हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जो कि सब गरीबों की सेवा करता है। हमारे पास में सभी वो स्कीम है कि अगर किसी के पास एक पैसा भी नहीं है उसके लिए भी हमारे पास स्कीम है जिससे हम उन लोगों को पूरी मदद करते हैं और उन गरीबों के लिए हम पूरी सेवा करते हैं। धन्यवाद। तंबाकू एक ऐसी चीज है जिसकी इंसान को लत लगते देर नहीं लगती। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी की एक बड़ी वजह तंबाकू ही होती है। इसके अलावा भी ऐसी तमाम जानलेवा बीमारियां हैं जो तंबाकू के कारण होती है। इसके अलावा दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत की वजह भी तंबाकू ही बनता है। हर साल इस दिन को सेलिब्रेट करके लोगों को इसके नुकसान के बारे में जागरूक किया जाता है और उन्हें तंबाकू का सेवन रोकने के लिए प्रेरित किया जाता है। NBCN न्यूज़ के लिए राजकुमार मोड़ के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट।